लीजिए, अब भीम आर्मी पहुंच गई है अपने दल बल के साथ, और साथ में ओबीसी महासभा और जैज भी है, और ये सब लोग मिलकर अब बागेश्वर बाबा के उस भाई को जरूर पकड़वा लेंगे जो काफ़ी दिन से फरार है, उस दिन से फरार है जिस दिन से उसने एक दलित की शादी में जाकर हंगामा किया था, पिस्तौल चलाई थी, पिस्तौल दिखाया था, डराया था, धमकाया था, तब से वो फरार चल रहा है। और अब तो उस दूल्हे ने भी अपना बयान दे दिया है जिसकी शादी में ये हंगामा हुआ था, तो अब उसका बचना मुश्किल है। शादी 11 फरवरी को थी, हम लोग जब बारात लेकर अटकुआ से गड़ा पहुँचे तो आधा घंटे के बाद खाना पीना चालू हो गया था, खाना खा रहे थे सब लोग, कुछ लोग रह गए थे खाना खाते समय, बाकी राय का प्रोग्राम चालू हो गया था और डीजे में भी राय बज रही थी। उसके बाद शालिग्राम जी आए, उन्होंने जाति सूचक गालियाँ जाति सूचक शब्द व कुछ गंदी गालियाँ दी, उनके हाथ में एक पिस्टल थी और दो या तीन फायर किए उन्होंने, जो देखा था। फिर उसके बाद जो भी उनको रोक रहा था कि महाराज ऐसा ना करो, तो उनको ही मार रहे थे वो लोग। और वो मार तो एक शालिग्राम ही रहा था, बाकी उनको रोकने के लिए थे 4-5 लोग, लेकिन वो उनके रोक के नहीं रोक रहा था। वजह यह है कि जो 18 तारीख को सामूहिक विवाह होना था बागेश्वर धाम में, जो प्रोग्राम था बागेश्वर, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने घर में पहुंचाई थी खबर के वहाँ पे शादी कर लो, हम लोगों ने वहाँ पर शादी नहीं की है, तो इससे शालिग्राम जी भड़क, आज़ाद भारत में हम जैसी हमारी इच्छा होगी हम शादी वैसे करेंगे। कहाँ शिकायत की, क्या हुआ? तभी तक शिकायत तो नहीं हुई है, सोशल मीडिया के थ्रू फिर एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि बरातियों ने बनाया था, तो उसके थ्रू फिर जो भी कार्रवाई हो रही है। आपको क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि शालिग्राम अभी तक जो फरार है, पुलिस प्रशासन उसको ढूंढे और गिरफ्तार करे। एक खजुराहो में और एक डुमरा रानीपुरा का ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे चला था, उसके माध्यम तो सोशल मीडिया पर चलने से ही उन लोगों को गिरफ्तार करके उन लोगों को जेल भेजा गया, और ये तो गाली भी दे रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं और मार, उन्होंने मारा भी है, लेकिन अभी तक उन पर कोई 25-27 की धारा नहीं लगी और ना ही अभी कोई गिरफ्तारी की गई। एसपी साहब का कहना है कि जो ओरिजिनल वीडियो है कोई भी अभी फरियादी मेरे पास लेके नहीं आया है, और जब तक कोई फरियादी पूरे विश्व को दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ये तो अब उनका ताल मटोल का जवाब देना है और इधर उधर घुमा फिरा के बातचीत करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बाबा सभी का भविष्य बता रहा था, अब उस बाबा का जो भविष्य है वो कानून लिखेगा, क्योंकि संविधान से, कानून से वो पर्ची निकल चुकी है, और अब बाबा का बचना यानी कि बाबा के भाई का बचना और उसका साथ देने के लिए बाबा का बचना मुश्किल है।